कांग्रेस के घोषणा पत्र का नाम जन आवाज दिया गया। और अब कांग्रेस का पिटारा खुलने वाला है। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्या कुछ होगा खास, अभी लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र के पिटारे में क्या कुछ खास होगा आप तस्वीरों पर देख सकते हैं। और साथ ही मैनिफेस्टो पे लिखा है हम निभाएंगे। कांग्रेस 2019 के मिशन को लेकर पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है और साथ ही आज का दिन उनके लिए ऐतिहासिक है। और यहाँ कांग्रेस जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। सभी नेतागणों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमें विश्वास है कि एक नए इतिहास की संरचना ये जन घोषणा पत्र 2019 करेगा। और अब जिसकी हम सबको इंतजार था, मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से कि वो आए और अपना वक्तव्य यहां दें। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मंच पर आमंत्रित किया गया। सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, एंटनी जी, पी चिदंबरम जी, गौडा जी, वेणुगोपाल जी, ऑल माय कांग्रेस कॉलीग्स, जनरल सेक्रेटरीज, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, आई'ड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू हियर टुडे। वी आर रिलीजिंग this manifesto, and it is a massive step for the Congress party. When we started this process about a year back, I spoke to Mr. Chidambaram, Mr. Gowda, and I gave them two instructions. I said this is not to be a manifesto made in closed rooms. I understand that the Congress party has a lot of expertise, but this manifesto should reflect the wishes of the people of India. That was the first point. And the second point I said was, whatever is going to be in this manifesto has to be truthful. I do not want a single thing in this manifesto that is a lie, because we have been hearing large numbers of lies spoken every day by our Prime Minister. So I'm happy to say that after over a year of work, they have delivered on both those promises. They have delivered the voice of the people, and I know that because the moment we speak about things that are in the manifesto, there is an immediate resonance from the people. So when we talk about this, जब हम न्याय के बारे में बोलते हैं, जनता से एक रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये काफी अच्छी तरीके से हमारी मैनिफेस्टो कमेटी ने काम किया है। तो मैं चिदंबरम जी का, देव गौडा जी का और हमारी बाकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। मनमोहन सिंह जी ने अपनी एक्सपर्टीज दी, एसेस किया, वेट किया। एंटनी जी ने अपना एक्सपीरियंस दिया, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और सोनिया जी ने भी अपने विचार मैनिफेस्टो पे हमें दिए, तो सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं।